पर मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज उठाने की आवाज दीजिए सर। आखिर में, सर आखिर में, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप इस्लामिक SMS पर। नाज़रीन किराम, 25 जून 2024 को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हुए पार्लियामेंट के अंदर हलफ लिया था, जिसके बाद ओवैसी साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा किया जा रहा है। आज 26 जून 2024 के इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने अपना पहला बयान दिया है। उन्होंने ओम बिरला, जो लोकसभा के अध्यक्ष और स्पीकर बनाए गए हैं, उनके बारे में बयान जारी किया है। आप भी इस वीडियो को मुलाहिजा फरमाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। असदुद्दीन ओवैसी जी, सर मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी हैं, कस्टोडियन हैं, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए, और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मजारा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए सर। आखिर में, सर आखिर में, मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा, और आपके बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज़ का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर।